सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन दोनों को लेकर के काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब इन चर्चाओं के ऊपर विराम लग चुका है क्योंकि एक दूसरे के साथ में चुनाव लड़ने का फैसला इन दोनों ने किया और अब एक दूसरे की तारीफें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में सचिन पायलट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई विवाद चल रहा हो, अब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, हाईकमान फैसला करता है कि कौन मुख्यमंत्री का पद संभालेगा या नहीं संभालेगा, जो परंपरा है उसी अनुसार चलती हुई नजर आएगी। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट में उन्होंने और क्या कुछ कहा। कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है। इस बीच टिकट को लेकर सामने आ रही बातों पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। जब उनसे दोबारा मानेसर मुद्दे को याद करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमारे बीच की प्यार मोहब्बत मिसाल बन चुकी है। सीएम फेस पर पायलट ने कहा कि सभी मिलकर के तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा। दरअसल दौसा जिले के कांदोली में शुक्रवार को प्रियंका गांधी की सभा होगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने पायलट गुरुवार शाम 5:30 बजे कांदोली पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जहां तक टिकट की बात है, जो पिछले साल घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ लोगों पर पार्टी में अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे, लेकिन जीतने वाले जिन भी दावेदारों के प्रपोजल आए उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया है, चाहे उस समय सोनिया गांधी की अवमानना किसी ने की हो, फिर भी मैंने कहा पार्टी हित में जो भी हो उसे टिकट मिलना चाहिए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।